नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको जोमैटो का एक ऑर्डर है जिसमें कैश ऑन डिलीवरी है, यानी कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी बुक की है, तो उसके अंदर आपको कैश कलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप ऑर्डर डिलीवर करोगे तो लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको कैश लेना होता है कस्टमर से, और आपका ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जो हमने कस्टमर से कैश लिया है उस कैश का करना क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बिल्कुल आज तक जोर देना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरे पास करंटली ऑर्डर है और कस्टमर से मैंने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन आपको ये एक्टिविटी कस्टमर जब आपके पास होता है तो उस टाइम आपको करना चाहिए। तो सिंपली मैं आपको एक पर्पज़ के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि काफ़ी लड़के कमेंट करते हैं ताकि उनको पता लग सके जो कि नए नए राइडर हैं कि उनको कैश कहाँ पर रखना है। सबसे पहले देखिए आपके सामने यहाँ पर जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन ओपन हो रही है। उसके बाद देखिए कस्टमर से जैसे ही आप ऑर्डर को डिलीवर करेंगे कस्टमर की लोकेशन पर, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया जाता है कि आपको कितना कैश लेना है। अगर कस्टमर ने ऑनलाइन पेड किया हुआ है तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा आएगा कि कस्टमर ने ऑनलाइन पेड किया हुआ है, इस तरह से आएगा। अगर आपको कैश लेना होगा तो फिर यहाँ पर ये आपको बॉक्स बना आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कस्टमर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन जो है हाइड था ये ओपन हो जाएगा। अगर इसे हम अनक्लिक करेंगे इस तरह से तो यानी कि ऑर्डर फिर डिलीवर नहीं होगा। इसके बाद देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपने कैश कलेक्ट कर लिया कस्टमर से, जितना भी यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमर का नाम क्या है, इसके बाद आप कॉल भी इसे कर सकते हैं अगर कस्टमर आपके पास नहीं। ये काफ़ी सारे फीचर एप्लीकेशन के अंदर दिए जाते हैं। अगर आपके पास कस्टमर है, कस्टमर से आपने कैश कलेक्ट कर लिया है, ले लिया है उससे ऑर्डर का पैसा, तो ये फिर आपको क्या करना है यहाँ पर उसके बाद ऑर्डर को डिलीवर कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है कि जो कैश हमने कस्टमर से लिया है क्या ये कैश यानी कि जहाँ से आपने ऑर्डर को लिया था, उठाया था, पिक किया था किसी फूड शॉप से या फिर रेस्टोरेंट से, वहाँ पर आपको देना है या नहीं देना है। ये कैश आपको अपने पास अपने पर्स में रखना है, पर्स में रखना है आपको ये कैश, किसी को नहीं देना है, आप इसे यूज भी कर सकते हैं। अब सिंपली क्या करना है इसको, यहाँ पर आपको इसे डिलीवर कर देना है। जैसे आप डिलीवर करोगे तो कस्टमर को आपको फीडबैक देनी है कि कस्टमर का बिहेवियर आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन है, ये आपको फिलअप कर देने हैं। कस्टमर ने आपको टिप दी, थैंक यू बोला, कस्टमर आपने अच्छा लगा, कुछ इंग्लिश में इस तरह से लिखा, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसा आप करोगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपसे पास आ जाएगा कि आपको इस ऑर्डर के पैसा कितना आपको कंपनी ने दिया है, यानी कि आपने वो ऑर्डर पिक किया, कस्टमर को ला कर दिया, उसका अर्निंग कंपनी ने आपको कितनी दी है, ये सब कुछ यहाँ पर शो होता है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बारे में ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ, काफ़ी सारी वीडियो है कि ये अर्निंग कैसे होती है, ये 52 यहाँ पर लोग हैं, ये कब ऑन होते हैं, जब आपके पास, थोड़ा सा बता देता हूँ, जब आपके पास 15 मिनट तक कोई ऑर्डर नहीं आता तो ये ऑटोमेटिक से अनलॉक हो जाता है। तो उसके बाद आपको ओके पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से दिखाएगा कि आपने कितना काम कर लिया है, कितने पैसे आपने कमा लिए हैं और इंसेंटिव आपको कितना मिला है, ये इंसेंटिव लॉक कितना, अनलॉक कितना हो चुका है, ये आपको बताएगा। आपको करना है येस गॉट इट पे क्लिक। उसके बाद देखिए यहाँ पर करने के बाद देखिए आपको फिर दोबारा से नेक्स्ट गेट नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपकी आईडी यहाँ पर बंद हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। वो ब्लॉक कैसे हुई है, क्योंकि आपका कैश लिमिट जो है भर चुका है। अब दोस्तों यही तो यहाँ पर समझने का मतलब है कि जो आपने कैश लिया है वो किसी को नहीं देना, अपने पास रखना है। अब ये कैश कंपनी के पास कैसे जाएगा, जो आपने अपने पर्स में रखा है वो इसी तरीके से जाएगा। अगर आपकी कैश लिमिट भर जाती है तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके कैश लिमिट भरी नहीं है तो आपका जो यहाँ पर ये ब्लॉक लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपका ग्रीन कलर में ऑनलाइन लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ऑप्शन होता है नीचे, आप देख रहे हैं डिपॉजिट का, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिमिट बताई जाएगी कि आपकी लिमिट कितनी थी। जैसे 1500 रुपये लिमिट थी, जो कि आपने कैश जितने भी ऑर्डर आपके पास आए हैं, बड़े बड़े कैश आपने लिए हैं, तो आपकी लिमिट 15 क्रॉस कर चुकी है, यानी कि उसके आपके पास अब 1674 रुपये पॉइंट कुछ पैसे हैं, या फिर आपकी लिमिट 3000 की भी हो सकती है, 4000 की हो सकती है। अब देखिए दोस्तों जो से पैसे आपने अपने पॉकेट में डाले हैं, पर्स में डाले हैं, वो पैसे आपको यहाँ पर अब कंपनी बोलती है कि आप इसे यानी कि आप इसे पे UPI से कर सकते हो, यानी कि आप कोई एप्लीकेशन चलाते हो, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़ोन पे एप्लीकेशन चलाते हो, उससे आप बुक कर सकते हैं, पे कर सकते हैं जो आपके पैसे आपके पर्स में आपने डाले हैं। इसके अलावा जो एयरटेल स्टोर बने होते हैं, काफ़ी सारे लोकेशन में एयरटेल स्टोर बने होते हैं, तो वहाँ पर आप उनको जो आपके पर्स में कैश है, जितना भी आप डिपॉजिट कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी जो लिमिट है वो 1500 है, तो आप इसमें 2000 भी आप डिपॉजिट करा सकते हैं, ताकि आपकी लिमिट जो है काफ़ी 2000 की बन जाए।
तो यहाँ पर आप 2000 भी डिपॉजिट करा सकते हैं एयरटेल स्टोर में जाकर। ये सभी लोकेशन में होते हैं एयरटेल स्टोर, वहाँ पर जाकर आप कैश आप डिपॉजिट आप उनको दोगे, कैश दोगे तो आपकी जो आईडी होती है मोबाइल नंबर या फिर आपकी FEID वो आपको बतानी पड़ती है, तो आपका कैश वो इसमें डाल देते हैं और आप जैसे इस एप्लीकेशन को रिफ्रेश करोगे तो दोबारा से आपकी जो कैश लिमिट है वो खाली हो जाती है। तो अभी ये रेड कलर की है यानी कि ये पूरी भर चुकी है, आपको खाली करने के लिए या तो UPI से पे करना पड़ेगा या फिर आपको डिपॉजिट जो एयरटेल स्टोर होते हैं बैंक बने होते हैं छोटे छोटे वहाँ से आप इसे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं चलाते और आपके पास लोकेशन में एयरटेल स्टोर नहीं है तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है पे बाय डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यानी जो आपका ATM कार्ड होता है, इस तरह से ATM कार्ड होता है सभी को पता है, इस तरह से ATM कार्ड होते हैं डेबिट कार्ड ATM कार्ड, ये आपके डेबिट कार्ड ATM कार्ड है इस तरह से होते हैं। तो आपके पास ये है तो आप इनसे भी अपना जो आपका कैश है उसे आप पे कर सकते हैं। इसमें आपको अपना जो ये नंबर होता है ये होता है आपका 12 अंकों का, ये आपको डालना होता है, इसके पीछे CVV कोड लिखा होता है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है। तो आपके जितना अमाउंट आप यहाँ पर डालोगे, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपका पूछे कि आप कितना अमाउंट पे करना चाहते हो। यहाँ पर आप कम भी कर सकते हो, 1500 भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, 2000 भी कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद जैसे आप नीचे डिपॉजिट पर क्लिक करोगे यहाँ पर कन्फर्म पर यहाँ पर नीचे, तो आपको फिर दोबारा से यहाँ पर अपने जैसे कि ATM का मास्टर कार्ड या फिर नेट बैंकिंग जो भी आप यूज़ करते हैं उसका आपको नंबर वगैरह आपको फिलअप करना पड़ेगा और ये पैसे आपके पे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका दिखाया जाएगा जो भी लेटेस्ट ट्रांजैक्शन होगी कि आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया है वो आपका यहाँ पर शो होगा डेट वाइज कि आपने किस समय ये पे किया था, और यहाँ पर बिल्कुल आपने जितना पे किया था सक्सेसफुल दिखाएगा। अगर वो पेमेंट फेल्ड हो जाती है तो आपका यहाँ पर वो फील्ड में शो होगा। तो ये था सारा इन्फॉर्मेशन, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो हमारे पास कैश आता है उनका करना क्या होता है। मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया है, कैश आपको अपने पास रखना है, किसी को नहीं देना है, सिर्फ आपको ये ऑनलाइन पे करना होता है Zomato ऐप में, यानी वो Zomato के पास ही चले जाते हैं। आप देख दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि हमने यहाँ पर ये पे किए हैं जो जितना आपका पे आउट बनेगा, पे आउट देखिए यहाँ पर आपका बनता है पे आउट, यानी कि ये आपका पे आउट बनता है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये वीकली का आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आपका ये पे आउट है तो हम पिछली डेट का ले लेते हैं पे आउट, तो यहाँ पर हमने ये पे आउट ले लिया तो हमारा पे आउट ये था 4450 रुपये। तो यानी कि अगर आपने ये कैश डिपॉजिट आप अगर आपने पूरा कर दिया, पूरा जीरो कंपनी को पूरा पैसा दे दिया, तो आपका फिर 4450 रुपये ही आपके अकाउंट में भेज जाएगा जो कि Zomato से ऐड है, Zomato के अंदर ऐड है। इसके अलावा अगर आपने मान लीजिए अगर आपका 4450 रुपये यहाँ पर आपका अमाउंट बना है वीकली का और आपने अगर ये 1500 पे नहीं किए, फिर कंपनी क्या करती है सेटलमेंट करती है। सेटलमेंट में क्या होता है कि जितना आपको कंपनी का देना होता है, जो आपके पास कैश आया मान लीजिए 1500 आया है, अब 1500 में 4400 में से 1500 गए यानी 4450 में से 1500 जितने इसमें से काटे कंपनी, जितना आपका अमाउंट बचेगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप ऑनलाइन पे कर देते हो जो आपके पास कैश आया है, जितना आपका वीकली का अमाउंट बना है पे आउट बना है वो आपका बैंक में आ जाएगा। तो ये था सारा इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल प्रेस करना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।